Gospel TV and Interdenominational Missions TV in association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel, we want to spread the true Gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel, and watch our playlist of Eternal Forgiveness of Sin. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन जय मसीह सभी को आइए आज हम फिर से प्रेरितों का काम तीन अध्याय ग्यारह वचन के आगे परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे लेट्स ओपन द बाइबल अपोस्तल एक्ट चैप्टर थ्री एंड फ्रॉम वर्ड्स इलेवन वी आर गोइंग टू रीड ग्यारह वचन से हम आगे पढ़ेंगे जब वह पतरस और योहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंबा करते हुए उसके उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा hey तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो मानो हमारी ओर इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलना फिरना चलता फिरता कर दिया है इब्राहिम और ईसाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादो के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पिला ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने में से जिलाया और हम इस बात के गवाह हैं और उसी के के नाम से उस विश्वास द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुमने तुम देखते हो और जानते भी हो इस सामर्थ्य दी है और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है और अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसे ही तुम्हारी सरदारों ने भी किया परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीही दुख उठाएगा और उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह उस यीशु को भेजे मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है जो जगत की उत्पत्ति से पहले होते आए हैं जैसे कि मुसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने लोगों में से नाश किया जाएगा और शमल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता ने बातें उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस बाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बंधी जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे <coughs> परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर दे। तो जब हम प्रेरितों के काम तीन अध्याय को देखते हैं ये वही पत्र से जो पत्र सच में आ, एक दिन मछली मछली पकड़ा करता था ये वही पत्र से जो एक दिन अः यीशु मसीह के पीछे अपनी मछलियों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला था और ये वही पत्रस है जो एक दिन ऐसे कह रहा था कि मैं यीशु को नहीं पहचानता तुम क्या बात कर रहे हो मुझे मालूम नहीं लेकिन आज यही पत्रस प्रभु यशुम ही के बारे में सटीकता से ठीक ठीक रीति से सब लोगों को प्रचार कर रहा है और सब लोगों को ठीक ठीक बातें समझा रहा है कि असलियत में यीशु कौन है यीशु ने यीशु को परमेश्वर ने कैसे भेजा परमेश्वर के बचन के अनुसार क्या सब कुछ हुआ है इन सभी बातों को जब हम देखते हैं बाइबल में पत्रस अभी यहाँ पे ठीक ठीक रीति से सब लोगों को बता रहा है तो कल तक हमने पत्रस के जीवन के बारे में एक एक करके बातें करते आए हैं तो पत्रस के जीवन को जब हम देखते हैं उस समय के बारे में हमने कल बातें की कि पत्रस एक समय था जब वो प्रभु मसीह को नहीं जानता था पत्रस अपने सोच से जीता था उसके सोच के अनुसार जो कुछ भी हो उसने जिंदगी को जिया उसने अपने जीवन को उस रीति से जीता गया लेकिन एक समय है जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का आने का और कल हमने वो बातें की कि कैसे पत्रस अपना सब कुछ त्याग के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला तो आज मैं उस बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा और उसके बाद हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे पता नहीं हम कितना कंटिन्यू कर पाएंगे लेकिन ये जरूरी है कि हम एक मन के सही मायने तक पहुंचे हालांकि मैं आपको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान दूं इससे अच्छा है कि एक बात आप ठीक रीति से जानो आप बहुत बाइबल का ज्ञान जानो इससे अच्छा है कि आप एक पत्रस का आत्मिक जीवन आप ठीक ठीक रीति से जानेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही आशीर्वादित होगा और बहुत अच्छा होगा मैं ऐसे सोचता हूँ तो लुका के पांच अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पत्रस से मिलता है तो लुका के पांच अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह पत्रस से मिलता है तो पतरस यीशु के पाँव में गिरता है और यीशु से कहता है कि हे प्रभु मुझसे मेरे पास से दूर चले जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं तो यहां पे क्यों ऐसा हुआ क्योंकि ऐसे लिखा है वैसे ही जब याकूब और योहन्ना को भी जो शिमोन के सबागी थे अचंभा हुआ और यीशु ने समुन से कहा मत डर अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा यह समय है जब प्रभु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस क्यूँकि उस समय पथरस बहुत डरा हुआ था और वो प्रभु के पाँव में गिर के वो पापों की क्षमा मांग रहा था ए वो प्रभु मेरे पास से दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य जाए इस प्रकार से वो अपने पापी होने के वर्णन को बता रहा था कि हे प्रभु मेरे पास से आप चले जाइए मैं एक पापी इंसान हूँ मुझे छोड़ के आप चले जाइए मेरी योग्यता नहीं है आपके सामने खड़े रहने के लिए आप परमेश्वर के पुत्र हैं आप परमेश्वर की ओर से आए हैं वो क्या महसूस कर रहा था जिसके कारण वो प्रभु यीशु यशमी से, से कह रहा था कि आप चले जाओ वो अपने आप को बहुत पापी महसूस कर रहा था तो जब हम देखते हैं थोड़ी देर इंटरनेट का थोड़ा समस्या हो गया था सो प्रेरित के काम में जब हम पत्रस के जीवन को एक एक करके देखेंगे तो पत्रस के जीवन के द्वारा हम लोग साफ रीति से देखते हैं कि कैसे लुक के पांच अध्याय में लुका के पांच अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह से पत्रस मिला था उस समय में जो के ने यीशु से कहा वो क्या था कि हे प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ उस समय में यीशु ने पत्रस से जो कहा क्या कहा वो क्या है अब से यीशु ने सुमन से कहा मत डर अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा और उसके बाद ग्यारह वचन में लिखा है और वह नाव को किनारे पर ले आया और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया तो जब हम बाइबल में देखते हैं कैसे पतरस अपना सब कुछ छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो ये कौन सा समय है पतरस के पास अभी प्रभु का वचन आया है तो प्रभु का वचन आने के बाद पतरस प्रभु के वचन के पीछे चलने लगा पतरस प्रभु के पीछे चलने लगा लेकिन जैसे पत्रस ने अपने जीवन को जिया वन बाय वन वन बाय वन एक एक करके एक एक करके जो पत्रस ने अपने जीवन को जिया तो पत्रस प्रभु के बहुत सारे कामों को देखने लगा पत्रस के जीवन के द्वारा प्रभु के बहुत सारे चमत्कार हुए और प्रभु ने बहुत सारे आश्चर्य के कर्म जो है पत्रस पत्रस के साथ पत्रस के सामने किया और पत्रस के परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें प्रकट की तो उसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या थी जो पत्रस ने प्रभु के बारे में जानी वो ये है मत्ती का सोलह अध्याय आप अगर मत्ती उसका सोलह अध्याय देखेंगे तो मैथ्यू चैप्टर सिक्सटीन उसके तेरह से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है मत्ती उसका सोलह अध्याय 13 यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि, कितनों ने तो योहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने येलिया और कितने इर्माया भविष्य वक्ताओं में से एक कहते हैं उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो तो ये वचन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप यीशु का सवाल देख सकते हो यीशु ने क्या सवाल किया यहाँ पे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मतलब लोग यीशु के बारे में क्या समझते हैं लोग यीशु के बारे में क्या बोलते हैं हालांकि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं यीशु इस संसार में आए यीशु ने मानव जात के लिए सब कामों को किया और यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि कैसे यशु में परमेश्वर के पुत्र हैं लेकिन लोग यीशु बारे यीशु के बारे में क्या कहते थे तो ऐसे लिखा है तो कोई तो लोग ऐसा बोलते थे यीशु के बारे में कुछ लोग क्या कहते थे कितने लोग तो ऐसे कहते थे कि ये योहाना बपतिस्मा देने वाला है कितने लोग यीशु को बोलते थे कि ये ये लिया है कितने लोग बोलते थे कि ये इर्मे है और कितने लोग बोलते थे ये कोई भविष्य वक्ता में से एक है तो अभी यीशु की इतने सारे पहचान है क्या नहीं यीशु की इतने सारे पहचान नहीं है तो क्यों लोग यीशु के बारे में ऐसे सोचते हैं कि यीशु योहन्ना है या फिर यीशु यलिया है या यीशु इर्मया है ऐसे भविष्य वक्ताओं के बारे में ऐसे क्यों सोचते हैं लोग क्योंकि भविष्य वक्ता लोग भी जब इस संसार में थे भविष्य वक्ताओं ने भी बहुत शक्तिशाली काम किए थे जैसे कि एलिया जैसे कि हिरमे जैसे की युहाना देने वाला ये जो भविष्य वक्ता हुआ करते थे ये भविष्य वक्ता भी बहुत शक्तिशाली रूप से काम करते थे ये भविष्य वक्ताओं को कामों को देख करके लोगों को समझ में आता था हाँ ये परमेश्वर की शक्ति से काम करने वाले लोग हैं तो जब लोग यीशु को देखते थे तो लोगों को भविष्य वक्ता याद आता था तो लोग जब यीशु को देखते थे तो उनको भविष्य वक्ताओं के बारे में हाँ वो लोग एलिया के बारे में याद करते थे शायद एलिया आ गया है क्या फिर से ऐसे लोग सोचते थे लेकिन सच्चे में मनुष्य अपनी बुद्धि से और शक्ति से यीशु को पहचान नहीं सकता तो मनुष्य अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से यीशु को पहचान नहीं सकता इसके लिए यीशु ने अपने चेलों से क्या पूछा आप देखिए उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो तो यीशु ने आ, कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं तो कहा ये कोई लोग बोलते तो योहाना बपतिस्मा दाता है कोई लोग कहते हैं कि तू इर्म है लेकिन यीशु ने अपने चेलों से पूछा तुम लोग मुझे क्या कहते हो उस समय में क्या हुआ शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा बोल सकता हो कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं था जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु ये जानने वाले कोई नहीं थे यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है जो जान रहा है यीशु असलियत में कौन है यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है यीशु आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृष्टि करता परमेश्वर का बेटा यीशु है ये बारे में जानने वाले ये बारे में मानने वाले ये बारे में समझने वाले कोई भी नहीं थे आज इस संसार में बहुत सारे लोग जानते हैं कि यीशु ज्यूते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं लेकिन उस समय में पत्र से एक पहला व्यक्ति था जिसके मुख से ये निकला कि तुम ज्यूते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो ऐसा बोल के जब यीशु ने पूछा उस समय में लोग क्या बोल रहे थे वो अलग था पत्र जो बोल रहा है वो अलग था तो पतरस क्या बोल रहा है यहाँ पे पतरस कह रहा है शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है तो जब यीशु को उसने कहा कि तू मसीह हो उस समय में क्या किया यीशु ने क्या उत्तर दिया यीशु ने उत्तर उत्तर दिया हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है तो जब हम इस बात यहाँ पे देखते हैं तो यीशु मसीह ने क्या कहा यशु मसीह ने शिमन पत्रस को क्या कहा योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की तो किसने प्रकट की ये बात की यीशु परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं ये बात पत्रस पर किसने प्रकट की ऐसा नहीं कि पत्रस ज्यादा बुद्धिमान था बुद्धिमानों के बारे में अगर देखा जाए तो फरीसी बहुत बुद्धिमान थे ना शास्त्री और फरीसी बहुत बाइबल पढ़ते थे शास्त्री और फरीसी बहुत अलग अलग काम करते थे परमेश्वर की सेवा करते थे तो शास्त्री और फरीसी तो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं सिर्फ उस समय में जान रहा है कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं कैसे थी, कैसे थी वो जानता है कि यीशु परमेश्वर के यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं बोल के ऐसे लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया यीशु ने क्या उत्तर दिया जो पत्रस का जवाब सुना तो यीशु ने उसको उत्तर दिया योना के पुत्र तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर यह बात प्रकट की है समझा दिया कि पत्रस ये मेरा बेटा है पत्रस ये जो दिखाई दे रहा है यशु ये मेरा बेटा है और ये मसीहा है ये जगत के पापों को उद्धार करने के लिए आया है सटीकता से यहाँ पे वो समय है जब पत्रस के जीवन में परमेश्वर ने प्रकट किया यीशु के बारे में ठीक है ये समय था जब पत्रस ने जाना कि यीशु परमेश्वर का बेटा है इस समय में पत्रस कह रहा है कि यीशु आप परमेश्वर के पुत्र हो सटीकता से जब वो कह रहा है उस समय में यीशु ने कहा ये तूने जाना नहीं है मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है मतलब मांस और लहू के द्वारा नहीं हम इस बात को जानते हैं जब परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं तभी हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर का बेटा यीशु ये मसीह है और ये हमारे पापों को अपने ऊपर लेके क्रूस पर बलिदान करके हमारे पापों को क्षमा करता है हम पापियों को धर्मी ठहराता है हमको पवित्र करता है ये बातें परमेश्वर के प्रकट करने से ही हम लोग इन बातों को समझ सकते हैं ऐसा नहीं कि हम मनुष्य की बुद्धि से या मनुष्य के ज्ञान से इन सब चीजों को जान सकते हैं तो उसके बाद लेकिन अगर अगले ही क्षण में जब हम देखते हैं आगे अगर हम जाते हैं मत्ती के पुस्तक में ही अगर हम सोलह ही अध्याय को जब हम देखते हैं सोलह अध्याय में अगर हम इक्कीस वचन से जब हम देखना शुरू करते हैं इक्कीस वचन के आगे क्या लिखा हुआ है इक्कीस वचन के आगे जब हम देखते हैं ये समय है उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुर्णियों और महायजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत सा दुख उठाऊं और मार मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठो अभी ये क्या है ये शास्त्र लेख है ये शास्त्र लेख क्या है कि मसीह का मरना जरूरी है और मसीह का तीसरे दिन जी उठना जरूरी है लेकिन जब पत्र से वचन को सुनता है अभी जब भी ये वचन को पत्र सुनता है ये वचन को पत्र स्वीकार नहीं कर सकता ये वचन को पत्रस विश्वास नहीं कर सकता तो उस समय में, में पत्रस क्या करने लगता है यीशु को अलग लेके जाता है और यीशु को अलग ले जाकर के क्या बोलता है हे प्रभु हाँ? परमेश्वर ना करे तुझे ऐसा कभी ना हो अगर आप बाईस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे हम देख सकते हैं पत्रस की दशा इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर के झेड़कने लगा हे प्रभु परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा तो हम यहाँ पत्रस के मन को देखेंगे तो यहाँ पे पत्रस की दशा क्या है यहाँ पे पत्रस की दशा अगर हम लोग देखेंगे तो पत्रस की दशा बहुत दयनीय है आसानी से प्रभु के वचन का इनकार कर रहा है प्रभु ने कहा कि मेरा मरना जरूरी है मैं दुख उठाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा और ये तीसरे दिन जी उठूंगा ये क्या है ये परमेश्वर का सत्य वचन जो ऐसा ही होगा ऐसा ही होना है वचन में जैसा लिखा है वैसा ही होगा वैसा ही होना है लेकिन पत्रस यशु को अलग ले जाकर के क्या बोल रहा है पत्रस ये को अलग लेके जा करके कह रहा है हे प्रभु परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना हो इस रीति से वो पत्रस यीशु के बाद बात कर रहा है तो अभी ये कौन सा समय है बताए आपको पत्रस सेशु का वचन भी सुनता है और पत्रस पत्र के वचन का, का इनकार भी करता है मतलब ये वचन उसको समझ में नहीं आता क्यों परमेश्वर के बेटे मसीह ने मरना है क्यों परमेश्वर के बेटे को मरना चाहिए क्यों परमेश्वर के बेटे को पुनरुत्थान होना चाहिए ऐसा वचन जो उसके वचन उसके समझ से बाहर है उसका वचन उसको समझ में वो वचन उसको समझ में नहीं आता तो इसके लिए वो झिड़कता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा होकर के वो झड़कता वो बोलता परमेश्वर तेरे साथ ऐसा ना करे उस समय में यीशु ने क्या कहा यीशु ने पत्रस को उस समय क्या कहा उसने फिर कर पत्रस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है तो यहां पे यीशु ने क्या कहा पत्रस से पत्रस तू मेरे पास से चला जा उस फिर कर पत्रस से क्या कहा सैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है तो ये समय था पतरस का पत्रस सिर्फ परमेश्वर की बात पे मन लगाता था ऐसा नहीं है पत्रस मनुष्य की बातों पर भी मन लगाता था तो मतलब क्या है पत्रस परमेश्वर के बचन को भी विश्वास कर रहा है मनुष्य के सोच को भी विश्वास कर रहा है अपनी सोच को भी विश्वास कर रहा है प्रभु के वचन को भी विश्वास करता था जब पत्र उसको समझ में आता था तभी प्रभु के वचन को विश्वास करता था और जब पत्र उसको समझ में नहीं आता था वो अपने ही सोच को विश्वास करता था तो आज भी लोग इस दशा में जिंदगी जीते हैं जो उनको समझ में आता है वो बाइबल को मानते हैं जो बाइबल उनको समझ में नहीं आता वो बाइबल वो मानते ही नहीं है वो जो बाइबल का वचन उनको समझ में आता है वो बोलते जो बाइबल का वचन उनको समझ में नहीं आता वो बोलते नहीं ऐसा नहीं तो गए दिनों में मेरा एक पासल के साथ बात हुआ तो पास्टर से बात किया तो मैंने वो पास्टर निरंतर मुझे कुछ बात के लिए कंटिन्यू मुझे बात कर रहे थे ऐसा वैसा ये वो तो अपने मिनिस्ट्री में बहुत डिफिकल्टी महसूस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पास्टर मैं मेरी सेवकाई में बहुत मुश्किल में हूँ मेरी सेवकाई में आप इस रीति से मेरी मदद कीजिए तो उस समय मैंने उनसे कहा पास्टर अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी मदद करे मेरा मदद करने से आपको कितने दिन मदद होगा मेरा मदद करने से एक बार दो बार मैं आपको आपकी मिनिस्ट्री में मदद कर सकता हूँ लेकिन अगर परमेश्वर आपको मदद करेंगे तो हर पल हर क्षण परमेश्वर आपको मदद करेंगे इसके लिए पास्टर सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने पापों से छुटकारा पाओ पहले आप धर्मी और पवित्र बनो पास्टर अभी आप परमेश्वर के आगे पापी हो या धर्मी हो तो उस समय में मुझे एक वचन उन्होंने भेजा तो वचन कहाँ लिखा है रोमियो उसका तीन अध्यादश वचन उसके तीन अध्याय दस वचन में कहते हैं पास्टर, पास्टर हालांकि कह है नहीं।, है, नहीं एक भी नहीं तो मुझे ये वचन भेजा ये भेज वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी नहीं तो मैंने उनसे कहा पास्टर आप विश्वास करते हैं कि एक भी धर्मी नहीं कोई भी धर्मी नहीं देखिए दस वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं एक भी धर्मी नहीं लेकिन ग्यारह में क्या लिखा है पता है ग्यारह में लिखा है कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं तो मैंने पासर से पूछा पास जी आप ग्यारह वचन भी विश्वास करते हैं क्या कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं सारे पास्टर क्या विश्वास करते हैं पता है आपको उनको लगता है वो परमेश्वर को खोजते हैं लेकिन वो पक्का मानते हैं कोई धर्मी नहीं लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो परमेश्वर को नहीं खोजते हैं बोल के वो लोग नहीं मानते हैं वो क्यों अपने बारे में सोचते हैं कि वो परमेश्वर को खोजते हैं बोल के क्यों ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बाइबल प्रचार कर रहे हैं इसके लिए वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर को खोजने वाले हैं लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है आप पूरा बाइबल देख लो परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं है आप देखिए क्या जब से आदम ने पाप किया है जब से आदम के समय में पाप हुआ है जब आदम ने आदम और हवा परमेश्वर से अलग हो गए हाँ हवा ने शैतान से धोखा खाया और हवा ने वो फल को खा लिया और उसने अपने पति को भी दिया इस रीति से उसने भी खाया और ये दोनों भी मर गए परमेश्वर के सामने और वो लोग डरने लगे छुपने लगे और वो लोग मरना मतलब परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए और वो लोग शरीर की दुनिया में प्रवेश करके वो लोग जी रहे हैं ऐसे समय में आदम और हवा डर रहे हैं छुप रहे हैं और अपने अपने लिए अंजीर के पत्ते जोड़ रहे हैं क्या आदम और हवा परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जी नहीं तो कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं इंसान के पास वो समझ है ही नहीं कि वो तो परमेश्वर को खोजे इंसान के पास वो समझ ही नहीं है कि परमेश्वर को खोजने की समझ उसके पास नहीं है क्योंकि इंसान पहले ही पाप और मृत्यु के अंदर है जो तो इंसान पाप के और मृत्यु के अंदर है वो कैसे परमेश्वर को खोजेगा लेकिन हर एक लोग ये कॉन्फिडेंट होते हैं धर्मी नहीं हूं ये मानते हैं मैं धर्मी नहीं हूं कोई धर्मी नहीं ऐसा मानते हैं लेकिन वो ये नहीं मानते कि कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं ऐसा बोल के वो लोग मानते नहीं तो मैंने से पूछा क्या आप ये भी वचन मानते हो रोमियो उसका तीन दस वचन तो मानते हो ग्यारह भी मानते हो क्या मैंने पूछा तो कुछ बात नहीं करना चाहते है क्यों क्योंकि उनके अंदर एक सोच है मैं परमेश्वर को खोजता हूँ क्योंकि लोग ये सोच उनको ये फिट होता है ये सोच उनके सोच के अनुसार ये बात फिट होती है कौन सा कोई धर्मी नहीं एक भी धर्मी नहीं क्यों ये फिट होता है ऐसा नहीं कि क्यों परमेश्वर का वचन है बोल के वो लोग विश्वास करते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि ये वचन उनके सोच में फिट होता है कैसे फिट होता है क्योंकि वो अपने आपको देखते हैं पाप करते हुए अपने आपको देखते हैं नफरत करते हुए अपने आप को देखते हैं झगड़ा करते हुए अपने आप को देखते हैं झूठ बोलते हुए अपने आपको देखते हैं गलत काम करते हुए वो लोग अपने आप को देखते हैं तो उनकी सोच में ये वचन फिट हो जाता है हाँ कोई धर्मी नहीं एक भी धर्मी नहीं उनके सोच के अनुसार है ये वचन को वो लोग इसलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का वचन है अगर वो विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है बोल के अगर वो वचन पर कर विश्वास करते तो वो ग्यारह वचन पे भी विश्वास करते हैं पूरे बाइबल पे विश्वास करते हैं बाइबल का एक वचन पे विश्वास नहीं करते हो वो लोग पूरे बाइबल को विश्वास करते हैं और पूरे बाइबल को विश्वास करके वो बाइबल को ढूंढते कि परमेश्वर ने वचन में ऐसे क्यों कहा है परमेश्वर ने उस वचन में ऐसा क्यों कहा है यह वचन किस ओर इशारा कर रहा है यह वचन हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या बोल रहा है ऐसी बातें वो लोग ढूंढ सकते थे लेकिन लोग ऐसा नहीं ढूंढते तो मैंने पासा जी से कहा पासा जी ये वचन में लिखा हुआ है कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं क्या आप मानते हैं तो समय से उत्तर देना नहीं चाहते बोलो ये परमेश्वर का वचन है ना परमेश्वर के बच्चन में लिखा है ना कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है तो आप देखिए क्या आदम 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 ने 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 परमेश्वर 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 को 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 खोजा है या खोजते खोजते हुए हुए आ गया को आया और ने को अपने आप को प्रकट किया तब तक आदम किसकी सुन के जी रहा था तब तक आदम भी सिर्फ शैतान की आवाज सुन के जी रहा था इसलिए आदम डरा हुआ था अंजीर के पेड़ के पीछे छुपता था अंजीर के पेड़ के पत्ते बना के अपना

अब्राहम पचहत्तर साल की उम्र में परमेश्वर का वचन सुनता है परमेश्वर की वचन को सुनता है उस समय से परमेश्वर को जानता है तो अब्राहम ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा परमेश्वर अब्राहम को ढूंढते हुए गया तो तो पूरा बाइबल देखोगे ये वचन सत्य है ये वचन सत्य है क्या है कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं तो अगर मैं परमेश्वर को जानता भी हूं तो मैंने परमेश्वर को खोजा इसलिए मैं जानता हूं ऐसा नहीं परमेश्वर ने मुझे खोजा परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया इसके लिए मैं परमेश्वर को जान सकता हूं तो भी वचन मेरे लिए सत्य है कौन सा कोई कोई समझदार नहीं कोई नहीं परमेश्वर परमेश्वर का खोजने वाला मैंने भी कभी को खोजा नहीं हालांकि जो मैं खोज रहा था वो मेरे खोजने से परमेश्वर को कभी मिला ऐसा भी नहीं है लेकिन परमेश्वर एक दिन मुझे खोजते हुए आया परमेश्वर मुझे खोजते हुए आया और परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया इसके लिए आज मैं एक ऐसा इंसान बन गया जो आकाश और पृथ्वी को जानने

वो परमेश्वर मुझ में प्रकट हो गया उसने मुझे अपने आप को प्रकट करके दिखाया अब देखिए पत्रस, पत्रस को ढूंढते हुए गया? गया।, गया या यीशु पत्रस को ढूंढते हुए आया यीशु पत्रस को ढूंढते हुए आया पौलुस परमेश्वर को ढूंढते हुए गया या परमेश्वर पौलस को ढूंढते हुए आया परमेश्वर पौलुस को ढूंढते हुए आया और अपना पहचान दिया मैं जिंदा हूं यीशु ने अपनी पहचान दी पत्रस को मैं जीवित हूं माफ कीजिए पौलुस को पौलुस नहीं मानता था यीशु जिंदा हुआ पौलुस नहीं मानता था यीशु परमेश्वर का पुत्र है पौलुस नहीं मानता था उस समय उसका नाम था नहीं मानता था लेकिन जब प्रभु पौलुस पे प्रगट हो गया जब, ने आपको कर दिया पौलुस जब प्रभु ने अपने आप को जब प्रभु ने साबित कर दिया कि मैं जिंदा हूं क्या और पौलुस नहीं मान सकता क्या नहीं वो मानेगा ही उसको मानना ही पड़ा तब तो वो यीशु का अनुयायी बन गया तब तो यीशु का तब तो वो यीशु का चेला बना तब तो उस समय से वो प्रभु का वचन सुन के जीने लगा सही है ना तो पौलुस भी परमेश्वर को नहीं ढूंढता था तो कोई नहीं था परमेश्वर का खोजने वाला ये वचन सत्य है सत्य नहीं है सत्य है बाइबल में कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं तो जब तक पौलुस यीशु को नहीं मिला पौलुस को, को लगता था मैं समझदार हूं पौलुस को लगता था मैं समझदार हूं मैं परमेश्वर का खोजने वाला हूं तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह से नहीं मिले हैं जो लोग सटीकता में परमेश्वर से मिले नहीं हैं वो सब लोग सोचते हैं कि मैं समझदार हूं और मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं लेकिन जो परमेश्वर को मिल जाते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है वो इंसान जानता है मैंने परमेश्वर को खोजा इसके लिए मुझे परमेश्वर मिला ऐसा नहीं है परमेश्वर मेरे जीवन में आया परमेश्वर ने अपना प्रगटीकरण मुझे दिया परमेश्वर ने अपना प्रकाशन मुझे दिया इसके लिए आज मैं एक ऐसा इंसान बना कि मैं परमेश्वर को जानता हूं तो ये मेरी समझदारी से नहीं है ये मैंने खोजा है इसके लिए मिला हुआ नहीं है प्रभु ने मुझे अपने आप को प्रकट कर दिया इसके लिए आज मैं प्रभु को जानता हूं यह बात ऐसा है तो मैंने उनसे इस, इस रीति से कहा कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है तो उसके बाद मैंने अगला वचन बताया सब भटक गए सबके सब, सब निकम्मे बन गए कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं तो बाइबल में जब भी आप बाइबल पढ़ोगे ना सबका सबका बात करता है सबके सब सबके सब भटक सब सब गए सबके सब निकम्मे बन गए कोई भलाई करने वाला नहीं एक भी नहीं परमेश्वर ऐसे देखता है लेकिन हम क्या सोचते हैं मैं भटका हुआ नहीं हूं मैं निकम्मा नहीं हूं मैं भलाई करता हूं ऐसा इंसान के मन को अगर आप जांच के देखोगे ना कितना इंसान का मन परमेश्वर के वचन के विरोध में दिखता है यह बात इंसान समझ भी नहीं सकता पतरस ऐसा था तो पतरस जो बातें समझ सकता था वो बात स्वीकार करता था जो बात नहीं समझ सकता था डायरेक्ट बोलता था नहीं 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 ऐसे बोलता था

इसलिए तो मैंने बोला ना कोई धर्मी नहीं क्योंकि सबने पाप किया है सब परमेश्वर की महिमा से रहित है मैं मानता हूं कोई धर्मी नहीं मैं मानता हूँ कोई पवित्र नहीं मैं मानता हूँ कोई धर्मी नहीं इस... क्योंकि मैं मानता हूं सबने पाप किया तो मैंने उनसे कहा रोमियो अध्याय वचन मानते हैं हाँ मानता हूँ तो चौबीस भी मानेंगे क्या तो मैंने उनको बताया चौबीस परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है सेंतमेंट धर्मी ठहराया जाते हैं तो एक पापी क्या ठहराया जाता है यहाँ पे मुफ्त में धर्मी ठहराया जाता है एक पापी मुफ्त में धर्मी ठहराया जाता है ये परमेश्वर का वचन है ये मेरा कोई व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन नहीं है या फिर मेरा कोई मेरा डेनोमिनेशन का कोई अपना मेरा कोई अपना लुकआउट मैंने बनाया हुआ कोई ऑर्डर नहीं है यह ये। ये बाइबल का वचन है यह परमेश्वर का वचन है जो इंसान विश्वास करता है रोमियो तीन तेईस पे कि सबने पाप किया सब परमेश्वर की महिमा से रहित है इस पापी पे चौबीस वचन में अनुग्रह आया है चौबीस वचन कौन सी दुनिया है चौबीस वचन यीशु मसीह के अनुग्रह की दुनिया है यीशु की दुनिया है जहां लोग बिना मूल्य धर्मी ठहरते हैं जहां लोग मूल्य दिए बिना वो लोग क्या बनते हैं वो लोग धर्मी और पवित्र ठहरते हैं लेकिन यहाँ पे भी जब हम देखते हैं कि लोग ये वचन को वो पास्टर हंस रहे थे वो पास्टर को जो मैंने दिखाया ये वचन पास्टर जी पर हम पापियों परमेश्वर का क्या आ गया अनुग्रह आ गया हम तेईस वचन में पापी थे क्योंकि तेईस वचन में अनुग्रह नहीं था तेईस वचन में यीशु का छुटकारा नहीं था इसके लिए तेईस वचन में हम, Hence, हम लोग पापी थे वचन तक वो लोग 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 कौन पापी है जो लोग ने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाया और जो लोग यीशु के के को नहीं जानते हैं वो लोग के लिए वचन है ये सही है सबने पाप किया सब परमेश्वर की महिमा से रही थे ये सही है लेकिन वचन चौबीस में परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाले लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया और जिन्होंने यीशु के छुटकारे को विश्वास किया वो लोग क्या बन गए सेंथ मेन्त

परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार का वचन सुनता है यीशु के बलिदान के बारे में सुनता है यीशु में जो छुटकारा है वो छुटकारे को सुनता है और उस सुसमाचार पर उस अनुग्रह पर विश्वास करता है वो इंसान बिना मूल्य धर्मी कहता है वो मानता है कि हाँ मैं आप बिना मूल्य धर्मी हूँ परमेश्वर ने मुझ पर ऐसा अनुग्रह किया है और यीशु ने मेरे पापों के लिए ऐसा छुटकारा दिया है इसके लिए आप मैं बिना मूल्य धर्मी हूँ मैं पवित्र हूँ वो ऐसा विश्वास करता है इंसान ऐसे विश्वास कर तो मैंने पास्टर जी से कहा पास्टर जी ऐसे मैंने अनुग्रह पाया ऐसे मैंने यीशु के बलिदान पर विश्वास किया अब मैं पापी ना रहा अब मैं धर्मी हूँ जी आप भी विश्वास कर लीजिए पास्टर जी आपको भी विश्वास करने की जरूरत है अगर आप धर्मी नहीं बनेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा बाइबल में लिखा है परमेश्वर धर्मी लोगों की प्रार्थना की ओर कान लगाता है तो मैंने उनको बाइबल में से सब वचन दिखाया जिसमें धर्मी लिखा हुआ है सब दिखा है सब रोमियो में अगर आप देखोगे तो कई बार लिखा है रोमन्स में हम कैसे धर्मी बने वो हमारे पाप के लिए मरा वो हमको धर्मी ठहराने के लिए जी उठा अब विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं तो परमेश्वर के साथ मेल क्यों ना रखें अब मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं कई बार रोमियो में लिखा है धर्मी ठहराए गए धर्मी हो गए धर्मी ठहराए मसीह पर लहू मसीह के लहू पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर गए सब बातें मैंने उनको दिखाई अंत में क्या हो बोला होगा गौपास्ट जी ने बड़ा या धर्मी <laughs> उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया बड़ा आया धर्मी ऐसा बोल के उन्होंने उन्होंने मेरा मजाक नहीं किया है उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का अपमान किया है ऐसा नहीं कि लोग मेरा अपमान कि मेरा क्या मान और सम्मान मैंने उनको रोमियो तीन अध्याय चौबीस वचन में जो अनुग्रह था उसके बारे में बताया मैंने कहा पास्टर जी हम पापियों परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और हम यीशु मसीह ने जो छुटकारा किया उस छुटकारे के द्वारा हम संत मैन धर्मी है पास्टर जी हम लोग पापी लोग नहीं है अगर आप मसीह होने के बाद भी अगर आप पापी हो तो फिर मसीह का बलिदान का क्या मतलब है फिर आप क्यों धर्मी नहीं ठहरे आप तो धर्मी हो क्यों नहीं मानते हो इस बात को तो समय बोलने लगे बड़ा आया तू मुझे धर्मी बोलता है मैं कभी भी धर्मी नहीं बनूंगा मैं पापी का पापी ही रहूंगा कोई धर्मी नहीं है मैं उसी बात को मानूंगा मैंने कहा कोई धर्मी नहीं है हम पाप से जन्मे इसके लिए हम कोई धर्मी नहीं है हम कितने धर्म के काम करें हम धर्मी नहीं बन सकते इसके लिए तो हमको अनुग्रह से धर्मी बनने की जरूरत है इसके लिए तो यीशु के छुटकारे पर विश्वास करने की जरूरत है इसके लिए तो हमको यीशु क्रूस के बलिदान को विश्वास करने की जरूरत है ताकि हम पापी क्या बन जाएं बिना मूल्य धर्मी बन जाएं

उस दिन के बाद मैं उनसे बात नहीं कर सका लेकिन मेरे मन में बहुत दुख है ऐसे मसीही लोगों को देख के जो मसीही लोग सच में विश्वास के बारे में बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं तो उस दिन उन समय में पतरस भी बहुत गलत फहमी में था पतरस को लगता था कि यीशु जो बोल रहा है इसमें भी झूठ हो सकता है आप देखिए ना पतरस का मनस्थिति क्या होगा जब यीशु ने कहा आइए फिर से जाएंगे पतरस की जिंदगी में मत्ती में मत्ती उसका सोलह अध्याय में फिर से एक बार देखेंगे उसका सोलह अध्याय उसके इक्कीस और 22 वचन फिर से पढ़ेंगे ये बात को समझना है आपको समस्या क्या होता है हमारे आत्मिक जीवन में शैतान हमको कहाँ धोखा देता है कौन से पॉइंट में धोखा देता है यह धोखा हमको डिस्कवर करने की जरूरत है हम उसके आगे निकल सकते हैं अभी देखिए ने पत्र से क्या कहा उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि जाऊं पुर्णियों के और महायजो को और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं ये क्या है ये परमेश्वर का वचन है यीशु के लिए यीशु तुमको पुर्णियों और महायजो के हाथ से दुख उठाना होगा यीशु तुमको मार मारना होगा और यीशु तुम तीसरे दिन जी उठोगे ये क्या है ये परमेश्वर का वचन है जैसे रोमियो तीन अध्याय चौबीस वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु के उच्छुट के द्वारा हम बिना मूल्य धर्मी हैं ये 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 परमेश्वर का वचन है ये परमेश्वर का वचन है वैसे ही यीशु के लिए क्रूस पे मरना ये परमेश्वर का वचन है मतलब क्या है यीशु को मरना ही है उसके बाद तीसरे दिन यीशु को मृत्यु में से जीव उठना है तो पत्रस ने क्या बोलने की जरूरत है आ प्रभु हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों मर रहे हो और आप क्यों तीसरे दिन जी उठना चाहते हो हालांकि मैं पूरी बात समझ नहीं सकता लेकिन प्रभु अगर आप आप कहते हैं आप तो परमेश्वर जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं प्रभु ये तो आपका वचन है आपका वचन तो कैसे झूठा हो सकता है प्रभु आपका वचन तो झुट नहीं जा सकता प्रभु आपके वचन में तो झूठ नहीं है प्रभु वो तो झूठ नहीं हो सकता अगर आप कह रहे हो कि आपका मरना निश्चित है अगर आप कह रहे हो कि तीसरे दिन आपका जीव उठना निश्चित है तो प्रभु आमीन ऐसा ही हो ऐसा एक पत्र ने बोलने की जरूरत है तो एक पास्टर ने क्या बोलने की जरूरत है हालांकि मैं नहीं समझता लेकिन हम पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है ये लिखा है बाइबल में वो प्रभु का वचन है हाँ प्रभु के अनुग्रह से वो छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में जो छुटकारा है वो छुटकारा है ना यीशु में तो यीशु में वो जो छुटकारा है वो छुटकारे के द्वारा क्या है हम लोग बिना मूल्य धर्मी हैं तो हम धर्मी हैं ऐसा मानने की जरूरत है ना लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं पथरस की तरह यहाँ पे देखिए जो प्रभु ने कहा कि तीसरे दिन जी उठूंगा तो पतरस क्या बोल रहा है इस समय पथरस उसे अलग ले जाकर के झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा तो पत्र जाहिर ही झिड़क रहा है प्रभु को प्रभु के वचन को सीधे से फेंक रहा है हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा हो इसका मतलब क्या है प्रभु तू जो बोल रहा है वो गलत है प्रभु तू जो बोल रहा है छूट है तो मुझे जब मैंने वो पास्टर जी को देखा वो पास्टर जी वचन चौबीस को ऐसे ही झिड़क रहे थे चौबीस को जब मैं दिखा रहा था रोमियो तीन आद चौबीस वचन उस वचन को ये सिर्फ बच्चन चौबीस में नहीं रोमियो में कई जगह लिखा है कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं बाइबल में कई बार लिखा है कि यीशु के बलिदान के कारण हम लोग पवित्र हो गए हैं हाँ हम लोग पाप में जन्मे हमने पाप किया हमने परमेश्वर की व्यवस्था पालन नहीं की हम ऐसे लोग थे लेकिन हमारे ही पाप के लिए तो प्रभु यीशु में से संसार में मनुष्य बन के आया हमारे ही पापों को उसने अपने ऊपर लिया और हमारे ही पाप को लेकर के क्रूस पर बलिदान हुआ और उसके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का सजा मौत खत्म हो गया और क्रूस पर बहाये हुए लहू के द्वारा हमारे पाप धुल गए और हम लोग धर्मी बहने तो ये बात को जब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो पत्रस की तरह कंटिन्यू वचन को झिड़क रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो मेरा इनकार कर रहे हैं वो प्रभु का बचन का इनकार कर रहे हैं क्योंकि मैं उनको धर्मी नहीं बोल रहा हूं मैं कैसे धर्मी बोल सकता हूँ किसी इंसान को सही है ना मैं अपने आप को भी धर्मी नहीं बोल सकता लेकिन मैं अपने आप को धर्मी बोलता हूँ क्यों मैं मैं मानता हूं धर्मी क्यों क्योंकि मैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह और यशु में के बलिदान को मैंने स्वीकार किया है कि परमेश्वर के अनुग्रह से यशु में के एक ही बार चढ़ाए हुए बलिदान के द्वारा मैं बिना मूल्य धर्मी हूँ मुझे धर्मी ठहराया गया है इसलिए मैं धर्मी हूं प्रभु मुझे धर्मी बोलता है तो मुझे दोष लगाने वाला कौन प्रभु अगर मुझे कहता है कि तुम धर्मी हो मैं धर्मी हूं इस रीति से प्रभु के साथ एक नहीं अगर प्रभु पतरस को कह रहा है कि मैं मरूंगा पतरस एक होना चाहिए अगर प्रभु कह रहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा पतरस एक होना चाहिए हां प्रभु आप मरेंगे प्रभु आप तीसरे दिन जी उठेंगे इसको बाइबल में विश्वास कहा गया है लेकिन इस समय में पतरस प्रभु का वचन भी सुनता है उसका सोच भी सुनता है प्रभु का वचन भी सुनता है अपना सोच भी सुनता है प्रभु का वचन कहता है प्रभु मरेगा प्रभु का वचन कहता है प्रभु तीसरे दिन उठेगा लेकिन पत्रस का सोच क्या कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं प्रभु आप तो परमेश्वर पुत्र हैं अभी मैंने जाना है कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हो कैसा हो सकता है कि आप क्रूस पर मरो आपके लिए क्रूस पर मरना यह गलत है ऐसा करके पत्रस अपनी सोच को विश्वास कर रहा है उस समय में यीशु ने क्या कहा पत्रस को उसने फिर कर पत्रस से कहा हे सैतान मेरे सामने से दूर हो क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है तो यहाँ पे पत्रस एक ऐसा आदमी था परमेश्वर की बातों पे नहीं मनुष्य की बातों पे मन लगा रहा था तो यहाँ पे अगले वचन में यीशु ने क्या कहा चौबीस पे यीशु ने कहा तो अब ने अपने चलो से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले तो यीशु कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अभी आपने यीशु का वचन सुन लिया अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हो तो बाइबल में लिखा है अपने आप का इनकार करें मतलब किसका किस इनकार करें मनुष्य की बातों का इनकार करें मनुष्य की बात और परमेश्वर की बात दोनों एक साथ हम विश्वास नहीं कर सकते मनुष्य की बात और परमेश्वर की बात दोनों हम एक साथ मान नहीं सकते हैं इसके लिए बाइबल क्या कहती है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे यदि कोई चेला मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे मतलब क्या है मनुष्य की बातों का इनकार करे तो यीशु ने पत्र से क्या कहा पत्रस तू मेरे सामने से चला जा अब तू और मेरे पीछे नहीं आ सकता तू और मेरे साथ नहीं चल सकता पीछे हट सैतान तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्यों क्योंकि तू परमेश्वर की बात पे नहीं तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है ऐसा करके यीशु ने उसे कहा और यीशु ने कहा अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है अपना इनकार कर लेकिन अपना इनकार नहीं कर पा रहा था तो अगर हम आगे जब देखते हैं आगे कंटिन्यूशन में जब हम मत्ती के छब्बीस अध्याय में देखते हैं थोड़ा सा हम मत्ती का छब्बीस अध्याय एक बार देखेंगे मैथ्यू चैप्टर ट्वेंटी सिक्स में पत्रस का जीवन का आज सेकेंड पार्ट खत्म करूंगा कल मैं थर्ड पार्ट के बारे में बात करूंगा यह सेकेंड पार्ट है पत्रस के पास अभी वचन भी है और सोच भी है वचन भी है सोच भी है मनुष्य की बात भी है परमेश्वर की बात भी है इसलिए अभी अपना इंकार नहीं कर पा रहा है इसलिए प्रभु के हर वचन के साथ सहमत नहीं हो सकता जो बोलता है सहमत हो होता है जिस वचन के साथ सहमत नहीं होना चाहता सहमत नहीं होता जिस सोच के साथ सहमत नहीं होना चाहता है सहमत नहीं होता जिस सोच के साथ सहमत होना चाहता है वो सहमत होता है वो ऐसे आदमी को क्या कहा गया बाइबल में सैतान मेरे सामने से चला जा

तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर होंगी तो यहां पे प्रभु यशु में फिर से अपने चेलों को बता रहे हैं अब ये प्रभु की क्रूस के मृत्यु का समय आ गया है क्रूस की मृत्यु से पहले प्रभु ने ये बात अपने चेलों से कही वो बात कैसी थी यीशु ने उनसे कहा तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और जुड़े झुंड जु, की बेड़े तितर बितर हो जाएंगी तो अभी यहाँ पे कैसे इस वचन को उन्होंने सुनने की जरूरत है आ, आज प्रभु आप मरोगे आप चरवाहा आज मरेगा हाँ हम झुंड की भेड़ हम तितर बितर हो जाएंगे ओ आज हम लोग ठोकर खाने का समय है अच्छा ये विश्वास होता है प्रभु के वचन को आमीन बोलना प्रभु के वचन के साथ सहमत होना लेकिन प्रभु उनको फिर से वचन बता रहा है वो वचन बताने के बाद प्रभु क्या बोल रहा है परंतु मैं अपने जीव उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा तो यहाँ पे यीशु ने निश्चित बता दिया है मैं आज मरूंगा मैं जी उठूंगा जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा हम लोग गलील में मिलेंगे ठीक है अब ये चेले के प्रभु के चेले अगर ये वचन पर विश्वास करते हैं कि चरवाहा को मारा जाएगा वो तीसरे दिन जी उठेगा अगर प्रभु हमसे वो जी उठने के बाद गलील को मिलने की बात प्रभु ने बोल दी ऑलरेडी तो उनके मन में, में अगर वो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं तो ये लोग क्या करना चाहिए अभी तुरंत वो लोग निकलना चाहिए हाँ प्रभु ठीक है अभी आपका अकेले का समय शुरू हो गया प्रभु अभी आपका दुख का समय शुरू हो गया अभी आपके मरने का समय शुरू हो गया प्रभु अब आप हम हम आपको छोड़ के हम पहले ही कहां निकल के जाते हैं हम गलील को निकल के जाएंगे प्रभु आपका मौत हमसे देखा नहीं जाएगा प्रभु आपको जब लोग पे मारेंगे उस समय हम आपको देख नहीं पाएंगे इसके लिए प्रभु यीशु हम लोग यहाँ से ही आपका साथ छोड़ रहे हैं अभी से ही हम लोग निकल के चले जाते हैं और हम कहाँ जाएंगे प्रभु हम गलील में आपका इंतजार करेंगे प्रभु आप जब तीसरे दिन मरे में से जी उठेंगे प्रभु आप आएंगे वहां पे हमें मिलने के लिए हम वहां पे आपका इंतजार करेंगे इस से वो लोग प्रभु का वचन को विश्वास कर सकते थे लेकिन जब हम देखते हैं वो सब तेरे में ठोकर खाये तो, तो यहाँ पे हम पत्र बहुत, मुश्... बहुत स्ट्रॉन्गली खुद पर विश्वास करता है मतलब क्या है प्रभु तेरा वचन झूठा है प्रभु तेरा वचन गलत है प्रभु जो तू बोल रहा है वो बात सही नहीं है मैं ठोकर खाऊंगा ऐसा नहीं हो सकता पत्रस को बहुत बुरा लग रहा है तो खुद पर भरोसा कर रहा है मतलब क्या है प्रभु तेरा वचन गलत है ऐसा बोलना चाहता है उसके आगे यीशु ने क्या कहा यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा तो उस समय में प्रभु ने क्या कहा तीन बार तू मुझसे मुकर जाएगा लेकिन आगे देखेंगे तो पतरस क्या बोल रहा है पतरस ने कहा यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझे कभी ना मुकरूंगा और ऐसा ही सब चेलो ने कहा तो हम यहां देखते हैं ये सारे चेले कितना खुद के ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु का हर वचन को झुठला रहे प्रभु के हर एक वचन को झूठा बोल रहे प्रभु बोल रहा है लेकिन वो लोग लो नहीं मान रहे प्रभु बोल रहा है मुर्गे के तीन बार बांग देने से पहले तुम लोग मेरा इनकार करोगे पतरस तुम मेरा इनकार करेगा लेकिन पतरस बोलता है नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा ऐसा करके यहाँ पे पतरस और यीशु का और चेलो का कन्वर्सेशन क्या होता है खत्म होता है लेकिन थोड़ा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो थोड़ा आगे अगर जाएंगे 69 में ज्यादा समय नहीं सब पढ़ने के लिए लेकिन 69 में हम डायरेक्ट जाएंगे आइए 69 वचन को देखेंगे आपके बाइबल को खोलिए समय भी खत्म हो गया है और ग्यारह बजे से हमारा दूसरा श्रम शुरू हो रहा है इसके लिए हम ज्यादा समय आज नहीं लेंगे सिक्सटी नाइन को एक देखेंगे 69 के आगे और पत्रस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा तू भी तो यीशु गलीली के साथ था उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता हूं तू क्या कह रही है वह जो बाहर ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उसे कहा यह भी तो यीशु नासरी के साथ था उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया मैं उस मनुष्य को नहीं जानता थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उसे कहा सचमुच तू भी उनमें से एक है क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है तब तो वो अधिकार देने लगा और शपथ खाने लगा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता तब तो तुरंत मुर्गे ने बांग दी तब तो पत्रस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा तीन बार इनकार करेगा और बाहर जाकर फुट फुट कर रोने लगा तो ये समय है जहां पे पत्रस प्रभु के बचन के साथ बिल्कुल सहमत नहीं होता था बिल्कुल सहमत नहीं होता था क्यों क्योंकि उसको लगता था मैं बहुत सही चेला हूँ मेरे सारे सोच सही है मैं ग्रेट डिसाइपल हूँ मैं चेलों में भी सबसे महान हूँ आज बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर बिशप इस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं जहां वो खुली रीति से प्रभु के वचन का इनकार कर रहे हैं कल जैसे मैंने वो पास्टर के बारे सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सभी लोग ऐसा करते हैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोग मैंने मेरे जीवन में मिले जैसे मैंने वो पास्टर से मिला उनको कितना भी देखा हूं रोमियो उसका तीन आदय चौबीस वचन पास्टर जी प्रभु ने हमको अपना मौत का कीमत देके हमको धर्मी ठहराया है आप लोगों को मत सिखाइए कि आप पापी है सबने पाप किया ये सही है इसके लिए यीशु ने उनके पाप का कीमत चुकाया आप लोगों को सिखाई है ये कि यीशु ने उनको बिना मूल्य धर्मी ठहराया अब वो पापी ना रहे अब वो लोग धर्मी बन गए हैं तो वो लोग धिक्कार देते हैं सच में धिकारते हैं वो मुझे दुकार रहे नहीं है वो प्रभु के वचन को धिक्कारते हैं जिस वचन में लिखा है कि यीशु के लहू से हम धर्मी ठहरे हैं ये वचन का धिक्कार करते हैं वो लोग जिस वचन में लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह से हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम बिना मूल्य धर्मी ठहरे हैं रोमियो उसका तीन अध्याय चौबीस वचन को धिककारते हैं ये लोग जैसे पत्रस को रहा है ऐसे ये लोग प्रभु के वचन का हैं हैं जो वचन वचन में लिखा है तुम धर्मी हो उस का करते हैं ये लोग दस अध्याय दस वचन में लिखा है यीशु मसीह के शरीर के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से अब हमें पवित्र किया गया है हम और पापी ना रहे हम पवित्र किए गए प्रभु के बलिदान के द्वारा हाँ यीशु को विश्वास करने से पहले हम पापी हैं हमने पाप किया है लेकिन जब हम यीशु को विश्वास करते हैं हम और पापी नहीं रहते हम बिना मूल्य धर्मी बनते हैं हम पवित्र बनते हैं लेकिन लोग प्रभु के वचन को नहीं स्मरण करते हैं लोग प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं लेकिन आज यहाँ अमेजिंगली क्या हुआ आपको पता है पत्रस ने यीशु को धिकारने के बाद अद्भुत चीज क्या हुआ तो पत्रस को यीशु की कई हुई बात या, याद आई कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू तो तीन बार मेरा इनकार करेगा वो बाहर जाकर के फुट फुट कर रोने लगा इस बार पहली बार पत्रस इस बात में फुट फुट कर रोया है हाँ पत्रस को समझ में आ गया प्रभु का वचन सच्चा था हाँ मेरा सोच छूटा था मैंने जो भी बोला वो सब झूठ था मैंने जो भी बोला वो गलत था ऐसा करके पत्रस ने सटीकता से यहाँ पे इस चीज को डिस्कवर किया प्रभु का वचन सदा सर्वदा स्थिर है प्रभु का वचन सत्य है भले मुझे नहीं समझ सकता भले मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता भले मेरे मेरे ब्रेन में नहीं समझ में आता लेकिन अगर वो वचन प्रभु का है वो प्रभु का सत्य वचन है क्योंकि सारे मनुष्य झूठे हैं अकेला परमेश्वर सच्चा है और सच्चे परमेश्वर का वचन ये सत्य है ये सत्य वचन कभी नहीं बदलता कभी झूठा नहीं ठहरता मैं सच में आशा करता हूं कि आप अपने आत्मिक जीवन में पत्रस के ये दूसरे भाग को आप सोचेंगे तो आज प्रेरितों का काम तीसरा आता है ग्यारह से लेकर चौबीस के छब्बीस के बीच में जो हमने पढ़ा इसमें इस ये नीडर पत्रस कैसे बना ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं बाइबल का कोई पार्ट आपको सटीकता से ये भाग टू भाग में बात कर रहा हूं लेकिन ये पत्रस ऐसे वाला पत्रस ऐसे वो छोटी लड़की के आगे मैं नहीं जानता हूं ऐसा बोलने वाला पत्रस वही पत्रस ऐसा कैसे बन सका प्रेरितों के कामों में उस ओर में आपके मन की अगुवाई करना चाहता हूं तो मैं आशा करता हूँ कल हम फिर से मिलेंगे और कल और पत्रस के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज समय खत्म हो गया और बातें करना चाहता हूं लेकिन आज मैं उस पत, पत्रस के बारे में बात कर रहा हूं जो पत्रस ने यीशु को धिक्कारा है जो पत्रस ने यीशु को शपथ खाई है और जो पत्रस बाहर जाकर के रो रहा है यीशु की बात को याद करके कि तू मुझे मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा तीन बार इनकार करेगा तो उस समय में पत्रस ने पहली बार पत्रस हाँ उसको यीशु का बच्चन याद आ रहा है और पत्रस ने जाना मैंने जो भी इंसिस्ट किया था सब झूठ था मैंने जो कहा था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा वो झूठ था मैं तेरे लिए मरूंगा वो झूठ था पत्रस ने पाया मैं झूठा हूं तो आत्मिक जीवन में हमने क्या पाना है सारे मनुष्य झूठे अकेला परमेश्वर सच्चा वही आदमी अपना इनकार कर सकता है उसको सेल्फ डिनाइंग कहा गया है जो अपना इनकार नहीं करेगा वो मेरे पीछे नहीं चल सकता ये वचन का मतलब ऐसा है तो हम कब अपना इनकार कर सकेंगे जब हम खुद को डिस्कवर करेंगे कि सारे मनुष्य झूठे हैं एक अकेला परमेश्वर सच्चा है तब हम इस झूठे मनुष्य का इनकार करेंगे मतलब क्या ये झूठे मनुष्य के मन में आने वाले सोच को विश्वास नहीं करेंगे यही खुद का इनकार करना है मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाना मतलब मैं क्या सोचता हूं मैं क्या समझता हूं मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है ये परमेश्वर के बच्चन में मिलावट नहीं करूंगा परमेश्वर का बच्चन अगर मुझे कहता है कि मैं धर्मी हूं मैं मैं मानूंगा मैं धर्मी हूं अगर परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र मैं पवित्र हूं मानूंगा मैं पवित्र हूं इतना ही है मैं आशा करता हूं आपका मन यहां तक आ जाए और उसके बाद आगे हम कल निरंतर कंटिन्यूशन में आगे बात करेंगे आइए हम प्रार्थना करें हमारे स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते हैं आज हमने पत्रस के उस जीवन के बारे में सभागिता किया जब से तो पत्रस यशु के पीछे चलने लगा एक समय था पत्रस अपने सोच के पीछे चलता था लेकिन एक समय आया पत्रस अपना परिवार अपना दुनिया वो मछली पकड़ने का दुनिया छोड़ के के वो पीछे चलने लगा लेकिन पत्रस ने सब कुछ तो त्याग किया था लेकिन पत्रस ने अपना त्याग नहीं किया अपने सोच का त्याग नहीं किया इसके लिए पत्रस प्रभु के हर वचन के साथ सहमत नहीं हो सकता था इसलिए पत्रस अंत में प्रभु का इनकार करने वाला बना प्रभु को धिक्कारने वाला बना और पतरस अंत में ऐसा इंसान बना जो एक जगह बैठ के बस प्रभु के वचन को याद करके फुट फुट कर रोने वाला बना और उस समय उसको ये समझ में आया कि सारे मनुष्य झूठे हैं पतरस झूठा है सिर्फ यीशु सच्चा है पतरस के सारे सोच विचार झूठे हैं पतरस जो भी बोलता है सब झूठे लेकिन प्रभु का हर एक वचन सत्य है जो भले में समझो या ना समझो तो पतरस इस दुनिया में प्रवेश कर सका इसके लिए पतरस आगे जाकर के एक बहुत अद्भुत दुनिया को जी पाया है परमेश्वर पिता सच में हमारे जीवन में भी आप हमारे जीवन को ऐसे ही अगुवाई कर रहे हैं और आप हमें प्रकट कर रहे हैं कि हमारे सारे सोच विचार हैं और सिर्फ प्रभु आपका वचन सत्य है ताकि हम अपने आप से फिरे अपना इनकार करें और प्रभु आपके सत्य वचन पर विश्वास करके हम विश्वास से जिंदगी को जिएं प्रभु हम धन्यवादित हैं ये समय आपने हमें दिया यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना किया धन्यवाद grace gospel tv an interdenominational missions tv in association with grace gospel mission by running this youtube channel we want to spread the true gospel of god like our facebook page and youtube channel and watch our playlist of eternal forgiveness of sin thank you